पहले आप इसे देखिए। 2 दिसंबर 2010 ये वो तारीख थी जब फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था कि 2022 के फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप को कतर होस्ट करेगा। और इस बात के अनाउंसमेंट होने के बाद सबके सब हैरान रह गए। इसलिए नहीं कि आखिर किसी अरेबियन देश में इतना बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कतर अपने आप में इतना छोटा देश है कि भारत का उत्तर प्रदेश उससे कई गुना ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। और यही कारण था कि ना सिर्फ लोग इस सोच में पड़ गए थे कि आखिर कतर वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम कैसे बनवाएगा, बल्कि सवाल तो पूरी की पूरी फीफा एसोसिएशन पर भी उठने लगे थे, क्योंकि कई अंदरूनी लोगों ने इस बात का दावा किया था कि कतर ने अपने देश में विश्व कप करवाने के लिए फीफा के टॉप मैनेजमेंट को मोटी रकम घूस के तौर पर दी थी। लेकिन क्या इन बातों में कोई हकीकत है या सिर्फ ये सुनी सुनाई अफवाह है? वेल, मैं हूं सैम और आज की इस वीडियो में हम फीफा के हिस्ट्री के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप के बारे में बात करने वाले हैं और क्या है इसकी सच्चाई ये भी जानने वाले। कतर एक ऐसा अरबियन देश जिसे विश्व के सबसे छोटे देशों में शुमार किया जाता है। पूरा का पूरा कतर केवल 11,571 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जो किसी और देश से तो छोड़ो बल्कि अकेले चीन की राजधानी बीजिंग से भी छोटा है। और सोचिए, अगर एक शहर से भी छोटा देश जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर लेगा तो किसी को क्यों ही दिक्कत नहीं होगी। और यही कारण था कि अनाउंसमेंट के बाद भी लोग कतर से बैकआउट होने के लिए कह रहे थे, लेकिन कतर के राजाओं ने किसी की एक नहीं सुनी और बिना एक भी पल जाया किए उन्होंने अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। शेड्यूल के हिसाब से ये पहले से ही ऑलमोस्ट तय था कि विश्व कप में तकरीबन 64 मैच खेले जाएंगे, जिसमें सेमीफाइनल एंड फाइनल गेम्स भी इंक्लूडेड है। और 32 टीमों के बीच होने वाले 64 मैच को परफेक्टली ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी भी जगह पर 3 या 4 नहीं बल्कि कम से कम 7 से 8 स्टेडियम का होना बहुत जरूरी था, ताकि ओवरबर्डन की वजह से किसी भी स्टेडियम की स्थिति ना बिगड़े। और बस इसी सोच के साथ कतर ने अपनी राजधानी दोहा से 100 किलोमीटर की रेडियस में ही 8 स्टेडियम को बनवाना या रिनोवेट करवाना शुरू कर दिया। इन 8 के 8 स्टेडियम को अगर हम लोग आर्किटेक्चर का करिश्मा कहें तो वो गलत नहीं होगा। और ऐसा क्यों, चलिए इसके बारे में आपको हम एक एक करके डिटेल से बताते। सबसे पहले बात करते हैं अल बैत स्टेडियम की, जो कतर की राजधानी दोहा से 35 किलोमीटर दूर अल खौर सिटी में मौजूद है। वीआईपी और नॉर्मल सीट्स को मिलाकर ऑफिशियली इस स्टेडियम की सिटिंग कैपेसिटी 68,895 लोगों को बैठाने के लिए काफी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। इस स्टेडियम का आर्किटेक्चर भी यूं ही नहीं बना दिया गया, बल्कि इसकी इंस्पिरेशन ली गई है बैत अल शार नाम के ऐसे टेंट से, जिसे कतर के सांस्कृतिक बंजारे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाते हैं और वहीं पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास पैसों की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी पुश्तों की संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं। अब जब ये स्टेडियम कतर की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऑर्गेनाइजर ने निर्णय लिया कि वो सीजन का सबसे पहला गेम इसी स्टेडियम के अंदर करवाएंगे, ताकि इस वर्ल्ड कप की सांस्कृतिक शुरुआत हो और वो हर एक के ऊपर अपनी छाप छोड़ जाए। दूसरे नंबर पर आता है लुसेल स्टेडियम, जो राजधानी दोहा से 20 किलोमीटर दूर होने के साथ साथ कतर का सबसे फ्यूचरिस्टिक स्टेडियम है, जिसका अंदाजा आपको इसका आउटलुक देखकर ही लग जाएगा। इसकी इंस्पिरेशन उन हैंडक्राफ्टेड बाउल से ली गई है, जिसे इस्लामिक सिविलाइजेशन में पीढ़ियों से इस्तेमाल किया गया है। इस पूरे स्टेडियम की आउटर लेयर को गोल्डन टच दिया गया है, जहां हर गोल्डन सेमी ग्लास के पीछे कतर की कल्चर लालटेन इंस्टॉल की गई है, ताकि जब भी रात के समय कोई भी मैच देखने आए तो बाहर से उसे कतर के 2 सांस्कृतिक धरोहरों का अंदाजा लग जाए। 88,966 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी के साथ साथ ये पूरे कतर का सबसे एक्सेसिबल स्टेडियम है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो, शटल और टैक्सी तीनों ही चीजों को पर्सनली सबसे ज्यादा फोकस करके इनहेंस किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि इस स्टेडियम पर इतना ध्यान क्यों रखा गया, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि न सिर्फ लियोन मेसी ने अपने आखिरी विश्व कप का पहला मैच 22 नवंबर के दिन इसी स्टेडियम में खेला था, बल्कि 18 दिसंबर 2022 के दिन फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी इसी स्टेडियम में ही खेला जाएगा। और यही कारण है कि इस स्टेडियम के अंदर रेस्टोरेंट, स्पा और होटल तक बनाए गए हैं, जहां आपको 4 से 5 लाख तक के 7-स्टार कमरे भी मिल जाएंगे, जो इतने महंगे होने के बावजूद हाउसफुल चल रहे हैं। ऊपर से फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये स्टेडियम भी एक तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बिजनेस बिल्डिंग में बदल जाएगा, जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा। फिर आता है दोहा से 20 किलोमीटर दूर अहमद बिन अली स्टेडियम। इस स्टेडियम को रिनोवेट करवा कर खास इस लायक बनाया गया है, ताकि यहाँ पर कतर वर्ल्ड कप के मैच करवाया जा सके। उम अल अफाइक में मौजूद इसमें लगभग 45,032 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और इसे रेगिस्तान के ठीक बॉर्डर पर बनाया गया है, ताकि कतर का एक अनूठा हिस्सा टूरिस्ट से छूट न जाए। चौथे नंबर पर आता है
दोहा से 22 किलोमीटर दूर अल जैनोब स्टेडियम, जिसे कतर के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे खूबसूरत स्टेडियम में शुमार किया गया है। इस स्टेडियम की सबसे खास बात यह है कि इसे विश्व की सबसे अच्छी फीमेल डिजाइनर आर्किटेक्ट कही जाने वाली जहा हदीद द्वारा डिजाइन किया गया था, जिन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट देते वक्त शर्त रखी गई थी कि स्टेडियम में कितना ही पैसा क्यों न लग जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो कतर के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करे और बेहद खूबसूरत भी लगे। बाद में जब उन्हें पता चला कि स्टेडियम अल वखरा शहर में बन रहा है, तो उन्हें जानने को मिला कि ये शहर प्राचीन काल से मछुआरों और व्यापारियों का प्रमुख स्थल रहा है, और इसी डिटेल की वजह से इस स्टेडियम की डिजाइन उन्होंने डाव बोट से इंस्पायर रखी, जो न सिर्फ कतर की प्राचीन संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है बल्कि ये भी दर्शाता है कि समय के बहाव के साथ कतर भी एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाला देश है। पांचवें नंबर पर आता है दोहा से 5 किलोमीटर दूर खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, जिसे कतर में फुटबॉल का घर माना जाता है, क्योंकि 1976 से उद्घाटन के बाद इसने हर एक स्पोर्ट्स खासकर फुटबॉल इवेंट को होस्ट किया है, जिस वजह से कतर का सबसे पुराना स्टेडियम होने के नाते रिनोवेट करने के बाद इसे एक फ्रेश लुक दी गई है, ताकि ये भी अपने अंदर 45,857 फुटबॉल फैंस को बैठा सके। छठे नंबर पर आता है दोहा से 12 किलोमीटर दूर मौजूद अल थुमामा स्टेडियम, और इसकी डिजाइन देखकर ही ये साफ पता चलता है कि ये स्टेडियम इस्लाम में धार्मिक महत्व रखने वाली गाफिया टोपी से प्रेरित है, जिसके अंदर 44,400 फुटबॉल फैंस बैठ सकेंगे। सातवां है दोहा से 7 किलोमीटर दूर उपस्थित एजुकेशन सिटी स्टेडियम, और ये स्टेडियम कतर के लिए फ्यूचर के लिहाज से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस स्टेडियम के चारों ओर कतर की टॉप यूनिवर्सिटीज मौजूद है, और इतना तो हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर कंट्रीज में टॉप परफॉर्मिंग एथलीट हमेशा यूनिवर्सिटी के बेस्ट प्लेयर रहे हैं, और फीफा वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद गवर्नर स्टेडियम को पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए अप्रूव कर देगी, ताकि अपनी ग्रोइंग स्टेज से ही स्टूडेंट को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल सके और उन स्टेडियम में खेलने का एक्सपीरियंस भी मिल जाए जहां पर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा चुके हैं। और आखिरी नंबर पर आता है स्टेडियम 974, जिसे हम अगर विश्व का सबसे इनोवेटिव और जुगाड़ू स्टेडियम कहे तो गलत नहीं होगा। इस स्टेडियम को अरेबियन गल्फ के ठीक कोने पर बनाया गया है, ताकि समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं स्टेडियम को अपने आप बिना एसी के ठंडा कर सके। ऊपर से इस स्टेडियम ने अपने पहले मैच को होस्ट करने से पहले ही रिकॉर्ड बनाकर इतिहास के पन्नों में अपने आप को दर्ज कर लिया, क्योंकि ना सिर्फ ये विश्व का पहला ऐसा पोर्टेबल स्टेडियम है जिसे तुरंत हटाया जा सकता है, बल्कि ये विश्व का पहला ऐसा स्टेडियम भी है जिसे सिर्फ और सिर्फ शिपिंग कंटेनर और पोर्टेबल स्टील की मदद से बनाया गया है। जी हाँ, आप इस स्टेडियम की साइट पर जितने भी शिपिंग कंटेनर्स को देख रहे हैं वो डेकोरेशन के लिए नहीं लगे हैं, बल्कि ये वो शिपिंग कंटेनर्स हैं जिनकी मदद से ये स्टेडियम बना, और शिपिंग कंटेनर जैसे इनोवेटिव आइटम का आइडिया भी डिजाइनर्स को इसलिए आया क्योंकि ये स्टेडियम जहाँ पर बना है वो जगह कतर का सी ट्रेड ऑपरेट करने वाला पोर्ट है। इसमें कंटेनर का अलग अलग रंग भी यूं ही नहीं रख दिया गया, बल्कि इस स्टेडियम में रखे गए ब्लू कंटेनर्स में फूड स्टॉल्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, येलो कंटेनर्स में वॉशरूम बने हैं, और ब्लैक कंटेनर्स प्रेयर के लिए अलॉट किए गए हैं। इस स्टेडियम को नंबर 974 भी दो कारणों से दिया गया है, पहला ये कि कतर का डायल कोड 974 है, और दूसरा ये कि इस स्टेडियम को बनाने में टोटल 974 कंटेनर्स का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये अपने आप में बहुत ताज्जुब की बात है कि जहां कई देशों में एक स्टेडियम को बनने में 10 से 15 साल लग जाते हैं, वहीं कतर में 2011 से 2020 के अंतराल में ही 8 बेहतरीन स्टेडियम को बना दिया गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से कतर ने स्टेडियम से लेकर रेस्टोरेंट तक हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए इन 11 सालों में $320 बिलियन खर्च किए हैं, यानी एवरेजली कतर के शासकों ने हर हफ्ते $500 मिलियन की लागत अपने देश को वर्ल्ड कप होस्ट करने के लायक बनाने के लिए लगा दी। और इन 8 स्टेडियम में से काफी सारे स्टेडियम तो ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद शॉपिंग सेंटर या किसी और ऐसी ही चीज में बदल जाएंगे, लेकिन सच पूछा जाए तो कतर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पर पर्सन कैपिटा के हिसाब से कतर में हर व्यक्ति की सालाना इनकम करीब 80 लाख रुपए के बराबर है। यानी जो व्यक्ति हमारे देश में बहुत ज्यादा अमीर माना जाता है, उसे कतर में एक मिडिल क्लास की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। कतर तो इस वर्ल्ड कप को सिर्फ और सिर्फ इसलिए होस्ट कर रहा है ताकि सऊदी अरबिया जैसे अरबियन देशों के बीच वो भी अपनी छाप छोड़ सके कि हम भी किसी से कम नहीं, और टूरिस्ट को अपने देश में बार बार आने के लिए अट्रैक्ट कर सके। बाकी पड़ोसी देशों को जो जलाने में मजा आता है, उसके आगे तो ये अमीर देश करोड़ों यूं ही खर्च कर दे। वैसे कतर में मौजूद इन सारे स्टेडियम में से आपको सबसे खूबसूरत कौन सा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।